नमस्कार बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 10 में पढ़ाई जाने वाली पहली एकांकी को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एकांकी का नाम है संस्कार और भावना और एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर। तो चलिए सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी के परिचय को जानें। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर जी पर महात्मा गांधी जी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपनी लेखनी का भी एक उद्देश्य बना लिया, जो आजादी के लिए सतत संघर्षरत रही। विष्णु प्रभाकर जी ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। वर्ष 2005 में राष्ट्रपति भवन में कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की थी। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। नाथुराम शर्मा प्रेम के कहने से वे शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए। विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था। सत्ता के आर पार, हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अब और नहीं, टूटते परिवेश, गांधार की भिक्षुणी और अशोक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब हम एकांकी के पात्रों से परिचित होते हैं। इस एकांकी में अतुल छोटा बेटा है, उसकी पत्नी उमा है, अविनाश बड़ा बेटा, उसकी पत्नी अतुल और अविनाश की माताजी हैं। माताजी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली हैं, रूढ़िग्रस्त हम कह सकते हैं, या फिर लकीर की फकीर भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो एकांकी की शुरुआत इस प्रकार होती है। पहले दृश्य में दिखाया जाता है उमा, जो कि अतुल की पत्नी है, घर की छोटी बहू है, एक पुस्तक पढ़ने में मग्न है। वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है, सहसा धीरे से फुसफुसाती है, उमा, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है। उसकी आंखें गंभीर हैं, उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे से आकर बर्तन उठा ले जाता है, पर वह नहीं देखती। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्ण फूल पर चमकती है। उसी चमक में बालों की कोमलता उभर आती है। तभी पश्चिम वाला बाहर का द्वार खुलता है, माँ अंदर आती है। वे वृद्धा हैं, उनका मुख वेदना से पूर्ण है, आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है। माँ उसी के पास आकर बैठ जाती है। बैठती बैठती कहती है, माँ तूने सुनाई उमा? उमा, क्या माता जी? माँ, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। उमा, सच? माँ, हाँ। उमा, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। माँ, वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? उमा, फिर भी सुना तो होगा।
आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता ना लगे। आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। उमा, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ, अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं। मिसरानी कह रही थी, बहू कैसी भी हो पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा लिया है। अकेली थी पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिसरानी ने दवा ला कर दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। उमा, पर माता जी, भाई साहब को हुआ क्या था? माँ, हैजा। उमा, हैजा? माँ, मर कर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा? माँ, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा, पर माता जी, यह तो। माँ, मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं, माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। मुझे याद है, जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा ना थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। उमा, लेकिन माता जी, इसमें सब दोष भाभी का है। माँ, वह तो है ही, पर बहू। उमा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती हैं, परंतु। माँ, भोली? उमा, हाँ, बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी, जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को देख भुला नहीं सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। माँ, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? उमा, हाँ माता जी। कब? एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी, मुझे छाती से लगा लिया। माँ, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा, बताना ही नहीं चाहती थी। माँ, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। माँ, लड़ने गई थी? उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वो ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते? यही बात मैंने उनसे भी कह दी थी। माँ, सच? उमा, जी हाँ। माँ, तब? उमा, तब पहले तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो, मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा,
दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम माँ, उमा, उमा, ये कहा तुमने? उमा, हाँ, मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ, तो उसने क्या कहा? वह बोली, बहन, मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करकर वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। माँ, अतुल वहां गया है? उमा, हाँ माता जी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ, मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई हैं। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो, क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे ना सुन सकी। मैंने चिल्ला कर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा था, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चले। पर माता जी, मुझे न जाने क्या हो गया, मेरा अंतर मन कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहां ना ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। माँ, तो तुम चली आई? उमा, हाँ माँ। उमा, पर तुम वहां हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ, कैसी उल्टी बात है। उमा, पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम तो, माँ, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें कभी आकर्षण है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, हो पाती तो कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता और मैं अपने बेटे से मिलने से, बेटे से ना बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था? माँ, हाँ उसी ने कहा था,
मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ, संतान का पालन पोषण पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसीलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है, उसी को पाने के लिए आतुर हूं। मैं ही क्यों? सभी माता पिता यही चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। उमा, माता जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अतुल का प्रवेश, स्वस्थ युवक, सांवला रंग, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है। वह सदा की तरह शांत है, फिर रसोई की ओर चली जाती है। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देख कर कहता है, अतुल, क्या बन रहा है माता जी? माँ, तूने सुना? अतुल, क्या? माँ, अविनाश बहुत बीमार था। अतुल, हाँ, उन्हें हैजा हो गया था। माँ, तू जानता था? अतुल, हाँ। माँ, तूने मुझसे कहा तक नहीं? अतुल, तुमसे कहता? क्यों? माँ, क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? अतुल, माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होता है? जब तक तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकते, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो। निर्मम? माँ, मैं निर्मम हूँ? अतुल, निर्मम ही नहीं, कायर भी। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा फिर प्रवेश करती है, उसके हाथ में चाय की ट्रे है, जिसे वह कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है, कहती है, उमा, लेकिन आप में तो है, आप तो वहां गए होंगे। अतुल, मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए नहीं गया। उमा, आप भी नहीं गए? माँ, हैं? तू भी नहीं गया? अतुल, जाकर क्या करता? उमा, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? अतुल, उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं कर कहती। मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते। उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे? अतुल, राम सिंह, पानी ले आओ। आवाज, लाया सरकार। अतुल, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार ना ही था और ना है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है, नौकर पानी ले आया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने के शब्द का शब्द होता रहता है, फिर बाहर का द्वार खुलता है। मिसरानी प्रवेश करती है, प्रौढ़ा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता, फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है, शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं, संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तभी माँ कमरे से बाहर आती हैं, वे अब और भी उद्विग्न हैं, उनके पैर डगमगाते हैं, वाणी रुंध जाती है। माँ, अतुल, तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई, कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल, हाँ सुना तो है। उमा का प्रवेश। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन है। उमा, क्या? तो तुझे यह भी पता है? अतुल, हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था,
परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ: अतुल, तो अविनाश की बहू मर जाएगी? अतुल: सुना तो ऐसा ही है। उमा: आप क्या कह रहे हैं, आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल: कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वे फौलाद के समान हैं, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा: लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल: भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। माँ: लेकिन मुझे तो है। अतुल: अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। माँ: तो मैं सोचती हूँ, अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। उमा: माताजी, माताजी। हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ। अगर अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो वह भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उमा: माताजी, आप क्या कह रही हैं? अतुल: माँ, तुम इतना जानती हो? माँ: हाँ उमा, हाँ अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। उमा और अतुल एक साथ कहते हैं, माँ, माँ। अतुल, इसीलिए मैं कहती हूँ, तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूँ। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूंगी। उमा: माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अतुल: अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी, तो जाने से कुछ लाभ नहीं होगा। माँ: जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो जा रही हूँ। अतुल: ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह, तांगा लाओ, अभी इसी वक्त। और उमा, तुम भी चलो, शीघ्र उमा। कहता हुआ वह बड़े कमरे से होकर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई है। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रहती हैं। वातावरण में शांति और स्निग्धता है। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते हैं। वह फुसफुसाती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार बच्चों, उनकी परिवार का एक सुखद मिलाप होता है। तो बच्चों, हमने एकांकी पूरी सुनी, तो अब हम एकांकीकार के विचार इस एकांकी के संबंध में जानते हैं। संस्कार और भावना में विष्णु प्रभाकर जी ने मानवीय भावनाओं के बीच के द्वंद को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वे इस एकांकी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि लोग पारंपरिक रूढ़िवादी संस्कारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसके कारण वे अपने निकट संबंधियों से भी रिश्ता तोड़ देते हैं, पर इसका दुख हमेशा हमें कष्ट देता है। दुख के समय जब कोई सहायता करता है, तब ये रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कार दुर्बल हो जाते हैं, मानवीय भावना प्रबल हो जाती है। जैसे एकांकी में जब माँ को अपने बेटे की जानलेवा बीमारी और उनकी बंगाली बहू द्वारा की गई सेवा की सूचना मिलती है, उनका पुत्र प्रेम प्रबल हो जाता है और वे अपने बहू बेटे को अपनाने का निश्चय करती हैं। एकांकी का उद्देश्य
इस एकांकी का उद्देश्य रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों पर आधुनिक विचारों की विजय दर्शाना है। इस एकांकी द्वारा हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली मानवीय भावनाओं के सम्मुख संस्कारों और रूढ़ियों का टिके रहना अत्यंत कठिन है। ऐसे में व्यक्ति का मन संस्कारों और रूढ़ियों की दासता से मुक्त होकर निर्मल और कोमल रूप धारण कर लेता है। इस एकांकी का उद्देश्य रहा है कि नई तथा पुरानी पीढ़ी के विचारों में विभिन्नता तथा संघर्ष दर्शाया जाए। अंत में माँ की ममता प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर विजय प्राप्त करती है। व्यक्ति के जीवन में ममता, स्नेह तथा प्रेम सर्वोपरि है। यही एक सुखी परिवार की नींव है। एकांकीकार अपने उद्देश्य में 100% सफल रहे हैं। धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ से संबंधित लिखित कार्य हैं एकांकीकार का परिचय, शब्दार्थ, वाक्य गठन और 2 संदर्भ सहित प्रश्नोत्तर, जिन्हें आप अपनी कक्षा 9 की कॉपी में दिए गए किसी भी हिंदी ब्लॉक से कर सकते हैं।